बुंदेलखंड की शान भाई क्रिश कुमार के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आप, आज अपन 150-200 साल पुराने मंदिर की ओर आ पहुँचे हैं। देखिए बजरिया, छतरपुर बजरिया के लिए रोड है, तालाब देख सकते हैं, तालाब के सामने मंदिर मौजूद है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, छोटी सी मड़िया हुआ करती थी, आज इसका देखिए जीर्णोद्धार होने से इसका विकास देख सकते हैं। मंदिर का नाम है पंचदेव हनुमान जी सरकार। तो आप जरूर जब भी आइए छतरपुर में तो इन मंदिरों का विजिट जरूर करिए। मिलते हैं महाराष्ट्र से और यहाँ के बारे में जानकारी जानते हैं। हाँ महाराज, आपका क्या नाम है? आचार्य उमेश चंद्र द्विवेदी वैदिक। अच्छा, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, मंदिर का क्या नाम है? श्री पंचदेव हनुमान जी सरकार। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे पांच देवी देवताओं का यहाँ पे विराजमान। हाँ, कौन कौन से देवी देवता हैं? गणेश लिंग स्थापना गणेश जी के साथ में और नर्मदेश्वर के रूप में नर्मदेश्वर लिंग है और दुर्गा जी के उसमें यंत्र के योनि लिंग है और शालिग्राम नारायण लिंग में शालिग्राम भगवान विराजमान है और आदित्य लिंग सूर्य भगवान के रूप में विराजमान है। पाँच देवी और ये हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है यहाँ पर और ये 150 साल पुराने हनुमान जी हैं। पहले यहाँ पे छोटी सी मड़िया हुआ करती थी जी, तो उसी का यहाँ पे जीर्णोद्धार एक साल पहले जीर्णोद्धार हुआ है और 45 साल से करीब करीब राम कुमार मोदी जी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और 1.5 साल से हम सेवा में यहाँ। हाँ सर, थोड़ी सी मंदिर की और आप जानकारी दीजिए, क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं? यहाँ हर 1 तारीख को अखंड रामधुन होती है और हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है। यहाँ ये बिल्कुल रेगुलर नियम है, मान लिया हमेशा ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है और यहाँ काफ़ी लोग मोदी जी का विशेष योगदान है। बाकी योगदान तो कई लोगों के है लेकिन मोदी जी का जहाँ इन मंदिरों का विजिट जरूर करिए आप। देखिए आप, ये रहा मंदिर, देखिए रहे महाराज, दर्शन करिए आप। देखिए पहले मंदिर पे आ चुके हैं जिनके नाम से यहाँ पे पांच मंदिर मौजूद हैं। हाँ महाराज, थोड़ी सा बताते चलें आप। ये गणेश जी हैं, गणेश लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, ये जो चार फुट का जो बना हुआ है ना। अच्छा, लिंग। हाँ, ये गणेश लिंग है। अच्छा, पंचदेव में से एक प्रथम लिंग गणेश लिंग। अच्छा जी, जो आप देख रहे हैं, देखिए आप ऐसा आपने ओम बना हुआ है, देखिए आप शायद ही आपने कहीं ये देखा होगा, तो आप जरूर आइए दर्शन जरूर करिए। देखिए शंकर जी बने हुए, देख पहला पंचदेव में से पहला मंदिर नर्मदेश्वर। हाँ, दूसरे मंदिर में देख सकते हैं आप छोटे से शंकर जी बने हुए हैं नर्मदेश्वर। दो मंदिर हुए, देखिए आप यहाँ पे ये हाँ ये सरस्वती माता यहाँ पे विराजमान है, माता दुर्गा जी हैं, इनके ऊपर मतलब यंत्र के रूप में दुर्गा लिंग के रूप में जो है विराजमान है। देखिए तीसरी माता रही यहाँ पे, लिंग भी बोलते हैं। देखिए योनि लिंग के रूप में माता विराजमान है, अच्छा जी बना हुआ है। क्या बोलते हैं इसको महाराज? योनि लिंग के नाम से जी जी, दुर्गा माता। देखिए आप भी रहे कुबेर जी मौजूद हैं, देखिए साक्षात दर्शन। नारायण लिंग जो विष्णु लिंग के नाम से जाने जाते हैं, शालिग्राम भगवान है जी, शालिग्राम भगवान के नाम से नारायण भगवान जी जी। देखिए आप चौथे भगवान रहे यहाँ पे, इन्हीं के नाम पे पूरा मंदिर का नाम फेमस है, पांच देवी देवता यहाँ पे मौजूद, नारायण भगवान है। देखिए आदित्य लिंग के नाम से स्फटिक के लिंग है, देखिए सूर्यलिंग भी कहते हैं। हाँ, सूर्यलिंग के नाम से जाने जाता है, ओम श्री सूर्याय नमः का देखिए आप लिखा हुआ है। हाँ महाराज, मेन हनुमान जी देखिए आप जे पांच देखिए फिर महाराज, इन्होंने पूरी मंदिर की जानकारी दी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जब भी आप छतरपुर में विजिट करें इन मंदिरों का दर्शन करने जरूर आइए आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री